अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे खैरियत करने वाले। मैं आई मौजूद से दिगवार विच। अपना नाम ही दसो जी हजरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीद कृष्ण जी और मैं दिगवार से बिलोंग करता हूँ। पहाड़ी पहाड़ी बोलने हो तो पहाड़ी बोलो या गुजरी बोलने हो तो गुजरी बोलो। पहाड़ी भी बोलो। पहाड़ी बोलो फिर। अच्छा, दिगवार के लादा मध्याला दा मुगलों का इस दिगवारी दिगवार शुमाली यानी है दिगवार जनूबी यानी दिगवार मध्याला उस साइड में इंडिया से। आज जुनो कौन बैठे ने हो? आज दिगवार जड़ी है ना जनूबी जनूबी बैठे हैं। जनूबी इतना ना बॉर्डर कितना एक दूर है? इतना बिल्कुल करीब है क्योंकि साथ ये बस पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँ दस मिनट में। बस ठीक है, यही है हमारी बॉर्डर, बिल्कुल करीब है। हम यही समझ लें कि बॉर्डर पे बैठे हैं। बॉर्डर पे बैठे नहीं थे बिल्कुल दाएं बाएं थे पीछे बॉर्डर या बॉर्डर है? नहीं नहीं, इस साइड तो क्योंकि इस साइड बॉर्डर पीछे पीछे फॉरवर्ड कोटा था। हाँ, कोटा आ जाता है सिटी, फिर इस तरह ऊपर इधर पीछे इस साइड पे ये सीढ़ियाँ गाँव आ जाए। ठीक हो, मैं कि दसो कि इतनी जिंदगी के जरिया माश क्या लोगों की जिंदगी ना लाइन ऑफ कंट्रोल लोगों का क्योंकि जरिया माश थे तो खेती बाड़ी ज़्यादा था, बाकी लोग कुछ जॉब वगैरह करते हैं इधर ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक हो गया, तो मुझे ये बताएं कि कितने एक लोग जो यहाँ पे काम करते हैं और कितने जो बाहर काम करते हैं? तकरीबन यही समझ लें 50% लोग इधर काम करते हैं, 50% आप क्या करते हैं और आपने क्या किया? मैंने अभी BS इंग्लिश किया है पुलिस यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया, तो मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगता है यहाँ से शहर में? यहाँ से शहर में तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये नाले में कोई मछली सछली या कोई? हाँ, मछली होती है इधर। कौन सी मछली होती है? छोटी मछली होती है। छोटी मछली होती है, डिप्टीन ट्राउट। हाँ, और मुझे ये बताएं कि फायरिंग वगैरह होती है जब? हाँ, जब फायरिंग वगैरह होती है तो बहुत मुश्किल होती है इधर के लोगों को, लेकिन हम क्योंकि इसी जगह से बिलोंग करते हैं लेकिन हम अपनी रूटीन से काम काज करते हैं। तो बाहर से भी कोई टूरिस्ट वगैरह लोग वगैरह आते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं इस जगह पे, लेकिन ये दिगवार आप ये समझ लें कि कोटा फॉरवर्ड कोटा की सबसे खूबसूरत जगह है। आप जगह पे विजिट करें, जगह तो माशाल्लाह बहुत सी बहुत प्यारी है। मुझे बताएं कोई फसलें काश्तकारी वगैरह कौन कौन सी होती हैं आपको? मकई चावल भी होता है? नहीं, पहले होता था लेकिन अभी ये दरिया की वजह से क्योंकि ये जगह सारी डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब हो गई है उसमें। ठीक है, अब नहीं। यहाँ पे दरिया का फ्लो ज़्यादा कब होता है, कौन से महीने में होता है? मार्च में होता है, मार्च अप्रैल में। मुझे बताएं कि कितना टाइम लगता है कोटा शहर से दिगवार तक? तकरीबन 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। रोड अच्छी है? रोड अच्छी है, लोग यहाँ आए घूमने फिरने के लिए आना चाहिए। मैं यही सबको कहूँगा कि अगर वैली कोटा आते हैं तो दिगवार को विजिट जरूर करें, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये जो सड़क जाती है इसके बारे में कोई, ये पहली सड़क थी जो? हाँ, ये बहुत पुरानी सड़क है हमारी दिगवार वाली, पुंछ शहर जाती थी तकरीबन इधर से तो 4 से 5 किलोमीटर आप कह सकते हैं पुंछ शहर। ये जो पीछे हमारे बिल्कुल नकों में पुल नजर आ रहा है, ये पुल पॉइंट आउट नहीं करना, पुंछ शहर, पुंछ शहर का पुल, पुंछ शहर की एंट्रेंस का पुल। जी जी, और कोई बात जो देखने सुनने वालों को कहना चाहेंगे? बस मेरा यही सबको मशवरा है कि अगर हवेली कोटा आते हैं आप दिगवार का विजिट जरूर। यहाँ पर रहने के लिए कोई होटल खाने पीने का? नहीं, होटल का नहीं है, लेकिन इधर हवेली कोटा का आपको पता ही है कि बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत खुश। तो ये है कि आप इधर विजिट करते हैं तो लोग रहायश के लिए आपको जगह दे समझते हैं। बाकी कोई यहाँ पे बाहर से लोग आ सकते हैं? कोई कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है, इधर के लोग बहुत मेहमान नवाज है, आपको खाने पीने का किसी किस्म का कोई इशू नहीं। कोई फौज की तरफ से मसला मसाल कोई मसला परेशानी होती है तो आप, मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को जानने वाले के साथ आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का ये होता है कि किसी जानने वाले के साथ आप जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो भाई यहाँ पर कैफियत हमारी ये है कि किस तरह उस पार जाएँ तो आपकी नहीं होती, ज़ाहरी बात है होती है, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इधर रह रहे तो फिर हमने एक चीज़ तसव्वुर कर लिया माइंड में कि इस साइड से इधर नहीं जा सकते, मतलब आपका बिलीव बन गया। लेकिन हमारा तो ये है कि यार कोई क्रिकेट होती है वो चले जाए, वो ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन क्योंकि हम इस जगह पर रहने वाले हैं तो हमने ये सोच लिया, माइंड सेट बना हुआ कि इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते पॉसिबल। यार बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बड़ी पुरसकून जगह है, मतलब बहुत चिल किया है, बहुत इंजॉय किया। मैं यूजली पहाड़ी बोलता हूँ लेकिन भाई उर्दू बोल रहा था तो मैंने भी भाई के साथ उर्दू ही शुरू कर दी है। तो टीम हो तशरीक हो सजनों तो मित्र हो, ये दिगवार दा बार्डर ना आखिरी ग्रांदा बिल्कुल अतराफ दाएँ बाएँ पीछे सब लाइन ऑफ कंट्रोल है, पीछे से फारूक कोटा शहर वाला एरिया था, चक्कर लाए थे। गोजरी भी सुनाना चाहूँ, गोजरी को सुनना चाहो अगर गोजरी को की आखने पाने चाहने वो को मित्रा सजना नु श्रीका नु टीमा नु मेरे पास नहीं है गोजरी गाना को वरना तुमना आए। चलो बहुत शुक्रिया जी, तुसा गलबात की थी साडे नाल, अल्लाह तुसा नु जजा खैर देवे, अल्लाह तुसा नु अपनी इज्जत मानित रखे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस जगह पे आए। जजाकल्लाह। तो सालिद साहब आपका स्पेशल शुक्रिया जी कि आपने वीडियो की ज़हमत की। तो इजाज़त चाहेंगे जी, हमारा भी जाने का वक्त हुआ चाहता है, तो दो में याद रखें जी, अल्लाह हाफिज़।